मॉर्निंग एवरीवन, मसीह की सलामती इत्मीनान और प्यार आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट नराया इल्यास एंड यू आर वाचिंग द शो कॉल्ड मेरी बुलाहट। आज है हमारी स्पेशल एपिसोड और इंडिपेंडेंस डे और मेरे साथ मेरे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनको मैं आपसे मिलवाऊंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं गुड न्यूज कैथलिक टीवी, जमीन से आसमान तक। बैक एवरीवन। तो जी आज इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर मेरे साथ मेरे खास गेस्ट इस स्टूडियो में मौजूद हैं। तो जी मैं आपको मिलवाती हूँ हिज ग्रेस आर्चबिशप एवरिस्ट पिंटो एमेरिटस ऑफ कराची। कैसे हैं आप? खुदा के फजल से ठीक हूँ मैं। हम सब बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव है, जानना चाहते हैं आपकी वोकेशन स्टोरी को। और पहला सवाल जो कि मेरे दिल में भी आ रहा है, यकीनन बहुत सारे लोग जो आपको जानते हैं और जो आपसे ये बात पूछना चाहते हैं उनके दिल में भी होगा कि ये सब शुरू कैसे हुआ। शुरुआत उसकी। उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, हमारे बहुत अजीज डायरेक्टर और उनका आमला, और मैं मुझे खुशी महसूस होती है कि मौका मिल गया जी। काफ़ी देर से इंतज़ार था तो आज। और मैं साथ साथ सलाम करता हूँ जो ये प्रोग्राम देखेंगे और जो योम आज़ादी मनाएंगे, हम इसमें मिलके सब मिलके खुश हों। जहाँ तक बुलाहट की बात है, शायद उससे पहले मैं दो बातें अपने ख़ानदान के बारे में कहूँ कि हम तीन भाई थे और एक बहन, मैं कभी अकेला रह गया, सबसे छोटा। अच्छा। या वैसे रिश्तेदार हैं इधर उधर लेकिन इतने नहीं है जैसे अच्छा, पहले अच्छा, थे अच्छा। और मैंने बुलाहट के बारे में नहीं सोचा था शुरू से, या कोई फैक्ट्री के पास मैंने 8 साल काम किया यहाँ इस शहर में। अच्छा, कराची। कराची में। अरे। यस, तो ब्रिटिश बैंक, लॉयड्स बैंक, मेरे वेदर टावर के पास। अच्छा। अभी तक वो बिल्डिंग है। अच्छा। तो तब्दीली है उसमें लेकिन लॉयड्स बैंक। और उसके बाद मैंने 5 साल और काम किया ब्रिटिश कंपनी में, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, ICI, वो वेस्ट फॉर्म में था जी जी। तो कोई बस वगैरह नहीं थी, पैदल जाना था वैसे लेफ्ट राइट। फिर क्या हुआ 1960 में, यह हमारे चर्च में, चर्च के क्या की तरफ से एक एग्जीबिशन था, वोकेशन एग्जीबिशन, सेंट जोसेफ कॉलेज में। ये हमारे मरहूम फादर रॉबर्ट द सिल्वा, उनकी तजवीज थी और उसमें सारी जमायतें भी शामिल थी। तो हम वो देखने गए और अचानक मैंने एक छोटी सी किताब देखी वहाँ, उसका अनुवाद था Kiss the boys and girls goodbye. All right. I repeat, yeah, kiss the boys and girls. Very small. Kitab chas, very choice. तो उसने क्या लिखा था कि anybody can apply to become a priest, or अगर he is pious और यानी दिनदारी जो है, in the basic, average intelligence, good character, yes, एक ख्वाहिश जैसे। जी। उस किताब जब पढ़ने के बाद मैं सोचता रहा शायद मेरे लिए भी कोई है जगह होगी इधर कहीं, और मैं सोचता रहा। दूसरे दिन अचानक उसी फादर रॉबर्ट ने मुझे ना कहला भेजा और मिलना मुझसे। आपने उनसे पहले कुछ बात की थी जाके कि आप बनना चाह रहे हैं? एग्जीबिशन के बाद एक रात गुजरी जिसमें सोच रहा था ये बातें। अच्छा,
तो फिर उसने मुझे सवाल किया, have you ever thought of becoming a priest? मैंने कहा काली एग्जीबिशन के बाद, देखने के बाद मेरे something was happening. Yeah. तो उसने मौका दिया, उसने बताया, फिर बिशप उस जमाने में जोसेफ कोर्डेरो आज बिशप, उससे मुतारफ किया, और फिर क्या, यू टेक योर टाइम, यू कैन गो फॉर हॉलीडेज एंड ऑल, थिंक अबाउट इट, सोच समझ के, और फिर मैं जून 1960 क्वेटा गया. ओके. वो जमाने हमारी सेमिनरी, छोटी सेमिनरी, सेंट पाइस टेंथ माइनर सेमिनरी वॉज देट. ओके. क्वेटा इज अनदर वर्ल्ड, दैट टाइम एट लीस्ट इट वॉज अनदर. It's not like Karachi or say in the Punjab, they are different. Even the atmosphere, abo hawa, na, quite different. Saaf sutri? Huh? Saaf sutri? Saaf sutri kahenge. Baraf bhi aur. Yeah. Aur thand itne, wo to mere pehli dafa baraf bhi dekha. Acha, pehli dafa Quetta gaye the. Quetta mein gaya. Acha, acha. Aur warna to bahut thand. Yeah. To wahan hamari padhai thi, amuman, yes, languages. Urdu, English, general knowledge, or all kinds of culture, rhetoric they call it, humanities, and particularly Latin. All right. Those okay. So they, we didn't know what a seminary is. Okay. So the timetable was like, "Bhai, dobara school shuru ho raha hai, idhar classes wagera." Okay. Imtihan bhi the. Fir bhi mahol acha tha. Okay. Yeah, father acche the aur hamare saathi. पहला दिन कैसा था? कोई पता नहीं था किस तरफ जा रहे हैं, या इतना वर्ल्ड, डिफरेंट वर्ल्ड. तो जब व्हेन यू स्टेप्ड देयर, आपने सोचा कि भाई अब आपने सेमिनरी ज्वाइन करनी है, एंड यू सेड दैट यू नो रीडिंग फ्रॉम द बुक गुडबाय गुडबाय, राइट? हां, या किस द बॉयज एंड गर्ल्स गुडबाय गुडबाय. तो हाउ यू फेल्ड, हाउ यू टुक दैट डिसीजन? I mean, like, पहले तो अनसर्टेनिटीज, यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग, है ना. जब टाइम टेबल देखा तो डर जैसा, ना, दोबारा 8 साल के बाद स्टडी शुरू करनी है अभी. बट आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई लव लव लैटिन एंड लैंग्वेजेस, उर्दू हो, कुछ भी हो, इतना वेरी नाइस, दैट वॉज गुड. तो 2 साल के बाद फिर मैं यहाँ कराची वापस आया, और बड़ी सेमिनरी में, क्राइस्ट द किंग मेजर सेमिनरी, वहाँ 2 years philosophy. Okay. और वो सन था 1962. भाई बड़ी हमारी चर्च हिस्ट्री में बड़ा वाक्य was taking place was the Second Vatican Council. All right. It had not happened, maybe wrong time. And Pope John the 23rd said, we want a new, a fresh air. So it was quite a hankami, just a rough time, but things were changing, and our formation also took a new direction. All right. Not just Purani Bate, but you know, we are, like one document says, no? Church for the world. All right. God gave us space for the world, no? And also the church and liturgy. And so these things were going on in the discussion stage. And I was in charge of making copies of the newsletters. तो सारी बातें पढ़ना और ना सर्कुलेट करना, वो तो बड़ी बात थी. तो 2 साल philosophy. Philosophy में क्या है, this love of wisdom and great masters, ना Aristotle हो या ना modern philosophy, big bulbies में है. And I was sorry they were not teaching us so much Indian, because India also has a lot of wisdom. They said it's myth. No, myth is a form of it. बट ख्याल जो है बहुत गहरे और ना वेरी वेरी ब्यूटिफुल. सो वी वर बिजी विद इट फॉर 2 इयर्स. ओके. या मे बी सम बॉयज स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट, फॉर मी आई वाज इंटरेस्टिंग, यू नो, आई लव स्टडी. ओके. देन 4 इयर्स थियोलॉजी. ऑलराइट. 4 इयर्स थियोलॉजी. ओके. या थियोलॉजी मीन देयर आर, इफ आई कैन टेल द ऑडियंस, for the audience, you don't say them with the people. 4 main subjects is scripture, dogma, that is our basic roots of our faith, reflection, morality, akhlaqiyat, and canon law, church. Okay. And then at that time, liturgy was introduced as a major subject. Okay. You had to give more time for liturgy. And then so many other subjects, church history, fathers of the church, abayadin. So for me, it was very interesting. Really to study and to, and so more or less the story here of the vocation. But I was eventually selected to go to Rome. All right. Yeah. And the discussion was, should it be theology, dogma,
or scripture, and I was hoping it will be scripture. Scripture. Finally, I was told you're going for scripture. Okay. That was a big day for me. That was the biggest joy. So from that time till now, even today, aaj ka din tak, now you study scripture and find a lot of happiness in it, you know. Yeah. Okay. Today, misal ke taur par, Jesus is in a Gentile territory called Garadin or Garada, and there, na ye badruon ko nikala. कब्रिस्तान में ऐसा शख्स मिलता बहुत डिस्टर्ब एंड जीसस इज इन कंट्रोल फ्रीज हिम सो द होल गॉस्पेल इज मेकिंग अस फ्री यस फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ यस द ट्रू फ्रीडम फ्रीडम कमिंग टू द टॉपिक इवेंचुअली इवेंचुअली या गॉड या मार्क्स ही वांट्स टू बी फ्री हिज चिल्ड्रन टू बी फ्री यस नॉट खुदावन ये नहीं चाहता कि हम गुलाम रहे हमेशा और जब भी कोई मैं देखता हूं हमारी चर्च के आसपास उधर एक किस्म की गुलामी है हमारे नौजवानों पर ना बोझ इतना काम का वगैरह नो वी हैव नो राइट किसी को दबाना और अप्रेस करना ना दिस इज नॉट या बिकॉज गॉड वॉन्ट्स इट दैट वे पूछना चाहूंगी वो सफर जो एक आम इंसान आम शख्स का फिर वो काहिन बना और फिर वो आर्च बिशप क्या इम्पैक्ट आया उसका आपकी जिंदगी पर सबसे पहले ये खुदा की तरफ से है बिल्कुल बेशक मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं इसमें आगे बढ़ूं मेरे पास स्क्रिप्चर था तो पढ़ाई के लिए काफी मेरे पास काम था और इसमें काफी सेटिस्फेक्शन भी लेकिन काफी सालों के बाद मुझे हाँ कहना पड़ा लेकिन मैं खुश हूँ इसलिए कि ऑर्डिनेशन मेरी हुई थी 1968 ना अगर मैं पुराने जमाने के फादर होता तो वही बात चलाते हैं लेकिन अभी एक नया अंदाज ना कि वी हैव टू लीव आवर ओन मे बी आवर माहौल एंड गो टू अदर्स ना इवन द पोप सेज टुडे गो टू द पेरिफेरी ना सर है उधर जाना ना एंड जीसस वेंट हिमसेल्फ टू टायर एंड साइदोन एंड डेकापोलिस आउटसाइड So it's very satisfying, it is very good, there is a lot of opportunities. Right. So many people we meet. Na? Chalte chalte, us din main kahan tha, kisi jaga, na wo bank mein, aur phir pata chala unke ghar mein, ek maa, unke do ladke hain, aur ek ladka thoda sa slow kahe. तो थोड़ी देर ना ये बात करते रहे क्या करता कुछ ना ये बड़ी बात है लोगों के लिए कि दिलचस्पी लेते हम जो घर में बैठा होता है या कोई दूसरा काम नहीं कर सकता ना तो दिस आर पास्टरल वर्क लाइक ए गुड शेपर्ड अच्छा ये नहीं कि बड़े प्रोग्राम रखा या सेमिनार लेकिन वन टू वन ये वेरी सेटिस्फाइंग दैट इन द टाइम इन अ पीस या आई वेंट फॉर बायोमेट्रिक्स लाइक दिस वाज देयर एंड आई टॉक्ड टू हर सो वेरी नाइस सो मेनी थैंक्स Through so many things, and we can just say also, it gives you an opportunity to study, to reflect, to write. And you said that you write. अच्छा, you were just telling कि आपने scriptures पढ़ा है, तो आपको तो बहुत सारी ज़बानें आती होंगी ना? तो कितनी ज़बानें आती हैं आपको? अभी क्या कहें? एक हमारा ऑफिसर था अगर जॉब भी बीच में हो तो कहता मेरे okay. मैं तो दो ज़बानें जानता हूँ एक अच्छी और एक बुरी लेकिन खुदा के फजल से ना मैं लैटिन का जिक्र किया अच्छा, इंग्लिश अच्छा। तो इसको उर्दू या थोड़ी पंजाबी साथ साथ पहले मैं सबसे पहले मैंने पंजाबी सीखना शुरू कर दिया अच्छा। एक बहुत फादर था दीनी जैसा फादर यूसुफ अल्लाह रखा खुशपुरदा okay. उसके साथ साथ मरबे जाना ये करना वो करना तो वेरी ब्यूटीफुल देन व्हेन आई वेंट टू रोम तो वहाँ भी ना ये मॉडर्न लैंग्वेजेस के वो तो है फ्रेंच भी जर्मन भी इंग्लिश के अलावा इटालियन बेशक या तो चलते चलते काफी सारी ज़बानें या लेकिन बाइबल के लिए खास तीन ज़बानें हैं ये है इब्रानी अरमेई
अभी सुना है रीसेंट कि आपने बहुत ज्यादा बुक्स भी लिखी है. चलो कैटेकेटिकल सेंटर का काफी तावन था जब मैं फादर डायरेक्टर था उस जमाने फादांशु तो क्या तो हम पब्लिश करें तो ना एडवर्टाइज भी होता ना ये देखो कुछ ना कुछ होता ही था तो वी बिगन पब्लिशिंग बुक्स हियर और दूसरी तरफ फादर इमानुएल आसी मतलब यानाविन वो भी मेरी किताबें देखता था. एक दफा मैंने खत्म भी नहीं किया था ये हमें पब्लिश करनी है. I was writing on the story of the Bible. Okay. Every Bible book and as much more has a background. Yes. History. History. If you don't know it, you cannot read. Very na? True. So, ये study मैंने की और publish हुआ किताब भी ना चाहिए कि तकरीबन 35 का है. 35. इनमें से तीन चार उर्दू में भी. तीन चार उर्दू में भी. या है. या. एक किताब हमने शुरू की थी उर्दू में लिखना लड़कों के तावन से तंदरी में. तो है लोग पढ़े ना पढ़े लेकिन है. ये हमारी जो सकावत है या हमारी जो अदबी दुनिया है उसका हिस्सा बनता है. इस कभी भी आपको ऐसा लगा किसी भी इस पूरी जर्नी में क्योंकि सफर बहुत लंबा है और अभी आगे भी खुदा करे चले उसके फजल से तो कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कोई भी पॉइंट पर आकर कि नहीं इट्स गेटिंग वेरी टफ आई नीड टू गो बैक. मैंने जाहिर किया कि मेरे तो साल अभी कहानत के 51-51 से भी ज़्यादा हो गए. गोल्डन जुबली भी हुई लेकिन लाइफ इज फुल एंड हैप्पी तो कभी भी आजमाइश नहीं है कि वापस जाना. यहाँ तक कि जब हम अपने खानदान में जाते हैं ना मिसफिट जैसे उधर वो तो अपने दुनिया में है हम और कुछ. मेरा भाई था ना बहुत दिलचस्पी थी जैसे आप सवाल कर रहे हैं ना इस किस्म के सवाल करते थे वो बड़ी दिलचस्पी थी ना इन चीज़ों की जो कुछ चर्च में होता. लेकिन हर एक में ये तो नहीं है ना वो तो खान पीन दी गलना कर देने नहीं नहीं कभी नहीं क्योंकि देखो छोटी मोटी जो रुकावटें नहीं छोटी मोटी रुकावटें होंगे कोई ना कोई फादर हो कोई दूसरा हो कोई इतना तो कोई बड़ी बड़ा खुदा का बहुत बड़ा फजल है. बड़ा फजल जी वैसे मेहरबानी है ये बिल्कुल हमें संभाले रखा और ना खुश ये खुशी ना मैं दौलत से या नहीं हासिल ये खुदा के साथ उसके कलाम से वो मैं दोहराता रहूँगा बार बार. जी बिल्कुल वेरी नाइस टुमारो आई नो आई विल डू दिस. वो एक इनर पीस है मेरे पास जो कि मुझे अट्रैक्ट ही नहीं करता कि मैं दूसरी दुनिया में वापस जाऊं एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल एंड दैट्स द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वर्क भी कहे या उसमें इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू यू नो गिव अप द आइडिया ऑफ हैविंग अ ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ एंड चिल्ड्रन एंड यू नो ऑल दीस थिंग्स. सो व्हाट डू यू से अबाउट इट. ये होता चलो हमने तो वादे किए हैं या ऑर्डिनेशन में हमने इस लाइफ में लेकिन आप देखते हैं हमारे साथी हमारे शादी कर रहे हैं या कोई बहू आ जाती है कोई भाभी भी आती तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है ना अभी भी किसी उम्र में भी देखते हैं ना खूबसूरती है या लेकिन चलो ये माय लाइफ इज डिफरेंट एंड वी हैव फ्रेंडशिप विद आवर प्रीस्ट एंड ऑल लाइक योर डायरेक्टर इज वेरी नाइस. So, you know, that is support each other. Yeah. When we meet, we talk. And you have a family there. I mean, family like, now, koi bhatiji hai ya koi kya hai. Lekin Canada, pata nahi kahan kahan chale gaye. Okay. What are some most important misunderstood aspects of religious life? First of all, I think people don't know. We don't know what is religion. We think from rasme, no? Rasme chahiye hamein. Okay. अभी शादी के ना शादी इतना ये होता धूमधाम से लेकिन कोई उसमें खुदा का नाम नहीं है ऐसे रस्मी तौर पर ना तो कोई वक्फियत नहीं है नो नॉलेज एंड दे से इफ यू डोंट नॉलेज यू डोंट हैव लव आल्सो वेरी ट्रू ये थिंग व्हिच यू डोंट नो हाउ कैन यू लव एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग थ्रू आउट द जर्नी. आई वुड से द प्रेयर लाइफ we are the prayer, very life, one the power thing. Of prayer yeah life. Five times you know five whatever times. It happened like yesterday we went somewhere achanak maybe John Meri Vyani ki eat thi udde you know I say lekin I had five times and then scripture of course and
liturgy and other things here and there. And mm-hmm. much, I mean, of course, the friendship. Now I'm quite old, but I like how young priests, they can, you know. That's great. I was so happy when they and went. And you look so energetic, so I don't feel like you're old. Okay. Do you ever feel like you're alone? No, it's there. Now, look, we meet with our fathers or people. But the time comes to leave something. अपने कमरे में जाना लेकिन वो मेरे लिए उधर कुछ ना कुछ है तो अभी आप लिखते हैं आपके पास इतनी ज़्यादा दूसरी इंटरेस्ट है शाम के वक्त थोड़ा हल्का बल्का काम मतलब अभी कांटेक्ट है अभी घर जाके देखूंगा मैसेजेस वगैरह ना कितने सारे लोग ना पता नहीं मेरे नंबर कितना हो गया मे बी 900 हो गए फ्रेंड अभी तो मतलब काम है या काम नहीं कंपनी भी है और प्लानिंग है आजादी से रिलेटेड क्योंकि जी आज की हमारी स्पेशल एपिसोड है पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आर्चबिशप एवरिस्ट पिंटो जिनसे हम उनकी वोकेशनल लाइफ के बारे में जान रहे हैं तो जी भी जरूर जानेंगे उनकी जिंदगी के बारे में जो कि पाकिस्तान की फ्रीडम से रिलेटेड है तो आप बताना चाहेंगे उस वक्त जिस वक्त आप पैदा हुए थे 1933 में और अब तक क्या डिफरेंस है वो टाइम था स्कूल जाने का ना अच्छा। और उस जमाने में हमारे स्टडी जो थी ब्रिटिश हिस्ट्री थी अच्छा, यानी ब्रिटिश इंडिया में आयरलैंड में जी। और उस वक्त हर जगह ये क्या मुहिम जैसे ना इंडिपेंडेंस के लिए हर जगह जारी थी खासतौर पर इंडिया में महात्मा गांधी से लेकर फिर उसके दूसरे साथी और फिर पाकिस्तान भी मूवमेंट साथ साथ ना तो हर जगह ये बातें आजादी की मैं एक बात कहना चाहूंगा ये हम खुदा का शुक्र करते हैं इसलिए कि खुदा ना हर कौम की हर शख्स की ना आजादी चाहता है नहीं चाहता कि कोई गुलाम रहे या गुलामी में जिंदगी बसर करे हम तो गुलाम रहे और यहाँ तक शायद जो ना जो हमारे मालिक थे या हम पर बोझ डालने वर के दस्तूर हमने अपनाए या ना सब कुछ या अरबी हो या इंग्लिश हो कोई भी बेशक हम तो हर सकाफत से सीखेंगे ना मतलब अपनाएंगे लेकिन गुलाम नहीं बनना गुलाम नहीं रहना जी बिल्कुल आप मिली रंग में सुनते सुनते हैं चलो या जी ये पाकिस्तान That's so beautiful. It's so beautiful. जी ये पाकिस्तान तो बड़ा इसमें जज्बा पैदा होता है जो योम आजादी का दिन आता है या मतलब ना बिल्कुल खुद ब खुद एक जज्बा एक पेट्रियोटिज्म बेशक हम आजादी की बात कर रहे थे कि खुदा चाहता है कि ना सब लोग आजाद हो आजादाना तौर पर अपनी जिंदगी बिल्कुल बसर करें इज्जत के साथ बावकार और इसका सबूत हमें खुद बाइबल में मिलता है जब इसराइल के कौम यानी वो कबाइल मिस्र में थे गुलाम खुदा ने आसमान से देखा और आसमान से कहता है मैं उतर आया हूँ उनकी मसलत मैंने देखी है और मैं तुझे भेजता हूँ खुदा ने इंसान को भेजता कि आज़ादी मतलब हासिल करें बिल्कुल और एक ये मजमुई तौर पर पूरी किताब करो उसकी किताब हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि हमारे लोग भी अभी तक जमींदारी सिस्टम में या कहीं गुलाम है तो इसमें खुदा ये नहीं चाहता कि हमारे लड़कियों की ना बेहुरमती हो या कोई ना खुदा तो हर एक इज्जत संभालता है ना और दूसरी बात है जलावतनी में के खुदा ने उनको सजा दी थी बड़ा गुनाह किया था उसने खुदा को छोड़ के और फिर भी खुदा ने अपने नबी को भेजा है ख्याल नबी
कह के मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा. और ऐसा फारिस का ना एक किप्रस ऐसा बर्पा किया कि उसने आजादी, पूरी आजादी दी, वापस जाके आप हाइकल भी बनाए. तो ये खुदा का काम है हिस्ट्री में, तारीख में. तो ये मैं जानना चाहता हूँ आजादी पसंद करता है. और ये बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं बार बार. ब्यूटिफुली एक्सप्लेन, वेरी नाइस जी. आपने कनेक्ट उसको इतने अच्छे से करके हमें समझाया कि खुदा जो है आज़ादी पसंद करता है और वो चाहता है कि हम एक आज़ाद कौम की तरह रहें. बचपन की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त जब ये जब 14 अगस्त की बात आती थी, आज़ादी जश्न आज़ादी आई, तो आप किस तरीके से मनाते थे? शुरू में मैं देखा यहाँ कराची में भी कि शायद इतना जज्बा नहीं था, क्योंकि कौम ना मुनासिम करना और ये. फिर भी एहसास तो था कि हमने आज़ादी हासिल की है ना. लेकिन अभी हर साल मैं देखता हूँ जज्बा बढ़ता जाता है ना, हर जगह हमारे स्कूलों में, हमारे चर्चेस में भी, या जहाँ भी हमारी महफिलें हैं वहाँ ना ये जज्बा जाहिर होता है और उसमें भी हम शरीक होते हैं. पहले तो शायद शुरू में इतना नहीं था जज्बा, या शायद किसी ने कहा था एक दफ़ा कि भाई दूसरे कौमों को आज़ादी, हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए. खुदा सबका, सब कौमों का खुदा है ना. पर मैं ये झंडा लगता था मेरे ख्याल नहीं ये भी नहीं था शायद, अभी इसका भी जिक्र करें या तो ना, क्योंकि अगर माशरे में नहीं हो रहा है तो ना हम तो इतना कॉमन नहीं, इतना कॉमन नहीं था कहें. अच्छा अच्छा, जिस तरह अभी मनाई जाती है बिल्कुल उस तरह नहीं. बड़ी बात है कि ये क्या कहते हैं उसको, कॉमन नग में, मेरे नग में, या ग्रीन और वाइट हम हर जगह देखते हैं, जैसे आप हमारे स्टूडियोस में भी देख रहे हैं. बिल्कुल सही, वेरी नाइस. अभी फर्क है, अभी फर्क. लेकिन अगर सवाल हुआ दूसरे अंदाज से, जहाँ तक तरक्की है, हम खुदा का शुक्र करें कि काफी तरक्की हुई है. बिल्कुल देख सकते हैं अपनी सड़कें या अपने अंडरपास और अपने क्या स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं कितने सारे. तो क्या ये बड़ी तरक्की है मिलके. वो भी दूसरे पॉइंट में मैं जाऊंगा अगर सवाल करें तो. आप बताएं, आप क्या बताना चाहेंगे? सवाल ना ये कि अभी इसी अगर आखिरी बात हम कहें, हम आज़ादी ये यौम आज़ादी मनाते हैं लेकिन इस लिहाज से कि हम एक हैं. और ये मैं देखता हूँ खास तौर हमारे बड़े शहर में, हमारे बच्चे साथ पढ़ते हैं, हमने मिल के दफ्तर में ना बड़े एहतराम के साथ ना काम किया मिल के, और दोस्ती भी वहाँ. और सबसे बढ़ के हमारी जो हाई राइज हैं, मुसलमान क्रिश्चियन दूसरे लोग पारसी वगैरह ना मिल के रहते हैं, और मिर्च वगैरह ना एक दूसरे से लेते हैं या लून. तो यह है आना जाना, तो बड़ी बात है ये. शायद गांव में शायद माहौल और कुछ है ना, अंदरून सिंध में या और कोई गांव में, लेकिन कराची में लोग तो ना भाई इज्जत या एक दूसरे का इज्जत करते हैं, इज्जत करते हैं, डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करते हैं. बिल्कुल. बहुत सारे जो यंग लोग हैं अभी भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, हमारी कौन से माइनॉरिटीज कह के पीछे हो जाते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अभी एक नया एहसास है ना, हर वक्त हम माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज वो तसव्वुर ना रखे, हम छोटे हैं, हम अलग हैं. नहीं, हम साथ साथ ना इस कौम को हमें बनाना है. और बेशक हमारी चर्च का, हमारे क्रिश्चियन लोगों का, जमायतों का बड़ा हिस्सा है इसमें, ना तालीम मैदान या जो हॉस्पिटल्स हैं और दूसरा काम है ये इंसानी हकूक के लिए मिलके ना, और गुर्बत को हटाना, ये मिलके हमें काम करना है और ऐसा माहौल बनाना है. क्योंकि फिर इस लिहाज से कि हम एक दूसरे का एहतराम करें और जो अपने का डिफरेंसेस जो है ना वो भी मान वो भी के हम साथ हैं, साथ हैं. खुदा करे कि ये साथ हमारे साथ हो. His Grace, अब हम स्टार्ट करने वाले एक नया राउंड जिसका नाम है विसाखता 15. मैं पूछूंगी आपसे कुछ सवाल और कोशिश कीजिएगा कि इन सवालों के जवाब ज्यादातर आप एक क्लब्स पे दीजिए. आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है. ओके, अब बस आपका पसंदीदा लिबास. लिबास जी, सलवार कमीज. सलवार कमीज. आपकी सबसे बड़ी खामी क्या है? खामी मैं तो इतना भी मजबूत क्या कहे, स्ट्रॉन्ग नहीं हूं. स्ट्रॉन्ग नहीं हूं. खुद को एक लफ्ज में कैसे पेश करेंगे? क्या कहे? खुद को एक लफ्ज में कैसे पेश करेंगे? खुदा का फरसान. सुबह उठते पहला काम क्या करते हैं?
सुबह उठते ही पहला काम क्या करते हैं? पहला काम तो ये जिस्म की सफाई और फिर दुआ नमाज शुरू। वो तीन काम जो बहुत आप बहुत खुशी से करते हैं, एक तो बाइबल स्टडी जाहिर है जी, वो तो मुझे लोगों से मिलना okay. और आराम से सो जाना। आपका पसंदीदा टीवी शो कौन सा है? एक जमाने देखते थे ना वो फंटा अलिफ है नून, यार एक जमाने में आजकल नहीं देखते। आपकी जिंदगी का खास सीक्रेट? जल्दी जल्दी जल्दी, गुड हेल्थ। ओके, व्हाट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? ट्रेंड स्ट्रेंथ आपकी सबसे बड़ी खुदा पर भरोसा। वेयर डू यू वांट टू गो मोर देन एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड? आप कहां जाना चाहेंगे सबसे ज्यादा? You know, कौन सी कंट्री में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के आप विजिट करना चाहेंगे? For me, this is the best. I no more traveling. I won't go out. Do you like picnics? Yeah, with our priest friends or okay, maybe picnic something. Picnic or like dinner? That. Dinner, not so much now. Okay, you would like to go somewhere? Well, okay. Yeah. Coffee, tea, or any other drink? Coffee. Yes, Rish, do you believe in ghosts? बदलों को निकालना, this the study I am doing, and right, I am okay, young priest, okay, you know, okay, very nice. Can't tell you the story now. Yeah. कुछ अशिया का या लफ्जों का जिक्र करूंगी जो आपके जहन में आता है आपने फौरन से बताना है, ठीक है? Kneel down. Kneel down for prayer. Calvary. Calvary, the death of the Lord. Dream. Dream in some psychological, you know, okay. Images. Red cap. Red cap. Yep. Red cap. Yep. It's symbolism, I think. Sports? Sports now is more yoga and, you know, some. Okay, paisa? Paisa? Paisa, money? I need money. Rishte? Rishte pyar ke ya? Role model? Role model, Jesus Christ has to be always. Yeah. Okay, kitab? Kitab, of course, Bible. Jaga? Jaga to sari zameen khuda ki hai. Safar? 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 एक जमाने में कह सकता था वो होली लैंड पटना आई हैव सीन। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू, लर्निंग फ्रॉम यू। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच इंडीड। एक आखिरी मैसेज जो आप हम सबके लिए देना चाहेंगे? बड़ी बात है मेरे लिए कि हमें मिल के रहना है, कोई तफरका ना हो, कोई गोरा या काला या अंग्रेज या कोई ना, बिल्कुल इसको बचा के आया तो खुदा ने हमें बनाया है, खुदा ऊपर से देखता प्यार के साथ सब लोगों को। अब इसीलिए मैं जानबूझ के जाता हूँ एलान डे जहाँ कच्छी पाखरी को लेना, ताकि एक सिंबॉलिक वे टू वेलकम टू क्रिश्चियंस अदरवाइज एनीबॉडी बिफोर विश टू हैव सम तासुब विद मुस्लिम और समबडी, बट नो नो मोर वी आर together. We are together, we are united. United. Okay, thank you so much. This was a blessed one. Short and sweet. Yeah, very powerful. In sab ke saath, meri taraf se, His Grace ki taraf se, hamari puri team ki taraf se, pure Pakistan ko Jashn-e Azadi bahut bahut mubarak. Aur jis tarike se itna khoobsurat message aaj hume mila hai ki hum sab united hain, to ji hum ek saath united hi rahe. To thank you so much for your presence. Aapne hame itna zyada encourage kiya. Aur here is a little token of appreciation. Aap isme chai piye aur hame yaad karte rahe. Thank you so much. Abhi kabar coffee bhi. Ek bar coffee. Bilkul. आप देख रहे हैं द शो कॉल मेरी बुलाहट में नराया इलियास और गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, जमीन से आसमान तक, पाकिस्तान जिंदाबाद।